नहीं नहीं माननीय नीतीश कुमार जी के तरफ से भी कोई दबाव नहीं है, न नीतीश कुमार जी के नाम का कोई विरोध है, तो न उनके तरफ से दबाव है। ये तो सिर्फ हमको लगता है कि मीडिया से ही इस तरह की खबर फैलाई जाती है, लेकिन इस बात में कोई दम नहीं है। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी न्याय यात्रा पे हैं और बिहार में भी न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली है। लगभग 7 जिला को राहुल गांधी टच करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस MLC समीर कुमार सिंह जी हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा पे हैं और बिहार के 7 जिलों में यानी सीमांचल के 7 जिलों में को टच करेंगे। निश्चित रूप से उनकी यात्रा जो 14 जनवरी को शुरू होगी, उससे बिहार के कांग्रेस जनों में भी उत्साह है और लगभग वो 4 दिनों तक बिहार की यात्रा पर रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उनके यात्रा का व्यापक असर होगा और 20 मार्च को महाराष्ट्र में समापन होगा। नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं काफी तेज है और कांग्रेस का कल बड़ा बैठक हुआ है। अब ये कयास लगाया जा रहा है, सियासी गलियारों में यह चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा। देखिए, इंडिया गठबंधन को ये सभी नेताओं को मिलजुल करके तय करना है कि संयोजक किनको बनाया जाना है। कांग्रेस पार्टी को किसी के नाम पर आपत्ति नहीं है और आम सहमति में कांग्रेस पार्टी विश्वास करती है, इसलिए जो भी होगा हमको लगता है सर्वसम्मति से फैसला होगा। सीट शेयरिंग की भी बात हो रही है कि सीट शेयरिंग का लगभग कंफर्म हो गया है, जल्द सीट शेयरिंग का चर्चा जो है वो धरातल पर उतर जाए। अभी फिलहाल कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अगले 2-4 दिनों में कंफर्म हो जाएगा। जिस तरह से लगातार बीजेपी लगातार सवाल कर रही है कि नीतीश कुमार अब टाइम टू टाइम अपने आप को संयोजक बनाने के लिए, अपने नेम फेम के आगे लाने के लिए ऐसी बात करते रहते हैं कि हमको संयोजक बनाया जा रहा है। नहीं नहीं माननीय नीतीश कुमार जी के तरफ से भी कोई दबाव नहीं है, न नीतीश कुमार जी के नाम का कोई विरोध है, तो न उनके तरफ से दबाव है। ये तो सिर्फ हमको लगता है कि मीडिया से ही इस तरह की खबर फैलाई जाती है, लेकिन इस बात में कोई दम नहीं है। लगातार चर्चाएं हो रही है कि खरवास के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे और सरकार कभी भी करवट ले सकती है। नहीं नहीं पलटी मारने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि बड़ा उद्देश्य को लेकर के इंडिया गठबंधन के निर्माण में उनकी जो भूमिका रही है, इसलिए पलटी मारने का कोई सवाल नहीं है। नीतीश कुमार का एक बड़ा चेहरा है और वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि उनकी बदनामी हो, और आज उनका पूरे देश में एक असर हुआ है इंडिया गठबंधन बनाने से। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के निर्माण से उनकी जो भूमिका नजर आई है, उससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है, इसलिए वो क्यों इंडिया गठबंधन में छोड़ करके NDA में जाएंगे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। अगर छोड़ना ही होता तो फिर वहां से क्यों आते, वहां कंफर्टेबल नहीं थे, तो वहां सम्मानजनक स्थिति नहीं थी, वहां लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग तिकड़म कर रहे थे, इसीलिए तो यहां आए हैं, यहां शांति से हैं, यहां सम्मान से हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी के अलग होने का सवाल नहीं उठता। इंडिया गठबंधन का नींव रखने वाले नीतीश कुमार है, लेकिन कहां दिक्कत कहां आ रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने में इनकार किया जा रहा है? कहां किसने इनकार किया? नीतीश कुमार जी के नाम पर किसी ने इनकार नहीं किया। अभी इस तरह की आम सहमति बनेगी, संयोजक बनाने का प्रस्ताव तो आएगा, प्रस्ताव आएगा तो फिर देखा जाएगा, सभी लोग बैठ के करेंगे। खास करके कांग्रेस पार्टी ने तो कभी उनके नाम का विरोध किया नहीं है, इसलिए कोई सवाल ही नहीं है। जो प्रश्न है ही नहीं, उस प्रश्न को बार बार पूछा जा रहा है और हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बात से एक वातावरण खराब करने की मीडिया की यह साजिश है।